डियर स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट द क्वालिटेटिव करेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी। इसमें नेक्स्ट करेक्टर है सोशिएबिलिटी और ग्रीगेरियसनेस। इट रिप्रेजेंट द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द प्लांट टू वन अनदर, मीन्स प्लांट एक दूसरे से कितने क्लोज ग्रो करते हैं उसको हम कहते हैं सोशिएबिलिटी। द प्लांट में आइदर ग्रो सिंगली इन क्लम्प्स और ग्रुप्स। प्लांट सिंगल भी ग्रो कर सकते हैं, एक क्लम्प्स में भी और ग्रुप्स में भी ग्रो करते हैं। दिस फीचर डिपेंड अपॉन द हैबिटेट कंडीशंस, लाइफ फॉर्म्स, वीगर कंपटीशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। सम प्लांट ग्रो बेटर इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ अदर, वाइल सम अदर बिकम फीबली बाय सच एसोसिएशन। कुछ प्लांट है वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तो बहुत ही बेटर ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ है जो एक दूसरे के नज़दीक ग्रो करते हैं तो वो कमज़ोर रह जाते हैं। तो ये प्लांट टू प्लांट वेरी करती है ये एसोसिएशन। ब्राउन ब्लैंकेट 1932 रिकॉग्नाइज 5 क्लासेस ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशिएबिलिटी। इन्होंने जो ब्राउन ब्लैंकेट ने 1932 में 5 क्लास है प्लांट की स्टडी की सोशिएबिलिटी के बेस पे, S1, S2, S3, S4 एंड S5। S1 में वो प्लांट आते हैं जिनकी जो सिंगल ग्रो करते हैं, जिनकी शूट है वो सिंगल होती है। S2 वो प्लांट है जो स्मॉल ग्रुप्स में ग्रो करते हैं। S1 में तो ये प्लांट आएंगे जो सिंगल ग्रो कर रहे हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टेम्परेट फॉरेस्ट। तो दी ज़्यादा S1 कैटेगरी हैविंग सिंगल प्लांट्स ग्रो, एंड जो S2 प्लांट्स है इनमें प्लांट ग्रोइंग इन द स्मॉल ग्रुप्स, जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स में ग्रो करते हैं। इस तरह के छोटे ग्रुप्स में प्लांट दो दो तीन तीन प्लांट एक जगह पे, एक एक जगह पे ऐसे होते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, वो S2 में आएंगे। S3 प्लांट ग्रोइंग इन स्मॉल स्कैटर्ड पैचेस, जैसे इस तरह से छोटे छोटे पैचेस में जो पैचेस है वो स्कैटर्ड होते हैं, तो वो होते हैं S3 प्लांट टाइप के प्लांट। S4 कैटेगरी है प्लांट ग्रोइंग इन लार्ज पैचेस, जैसे ये बड़े बड़े पैचेस है उनको ऐसे बड़े बड़े पैचेस में ग्रो करते हैं प्लांट, वो S4 कैटेगरी में आते हैं। S5 में प्लांट ग्रोइंग इन वेरी लार्ज ग्रुप्स ऑफ नियरली प्योर पॉपुलेशन कवरिंग ए लार्ज एरिया, जैसे बहुत सारा एरिया है लार्ज एरिया, उसके ऊपर सेम टाइप के प्लांट होंगे जो कि पूरे एरिया को कवर करेंगे, तो वो S5 कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस क्वालिटेटिव करेक्टर है ये। इट रेफर टू द इंट्रैक्शन अमंग द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ ए कम्युनिटी, इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में क्या कैसी इंट्रैक्शन है उसको हम कहेंगे इंटरडिपेंडेंस। जैसे इंट्रैक्शन फॉर फूड स्पेस एंड एनर्जी, वेरियस वेज ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन बहुत मैनी टाइप्स की हो सकती है, जैसे कंपटीशन। अगर फूड स्पेस और एनर्जी है दैट इज वो स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल है तो, और उसको सेम फूड के रिसोर्स को खाने वाले कई स्पीसीज है तो उनमें कंपटीशन जैसी डिपेंडेंस होगी, और कभी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें पैरासिटिज्म होती है, कुछ में म्यूचुअलिज्म होती है और कुछ में सेप्रोफिटिज्म होती है, जहाँ पे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है वहाँ पे जो है सेप्रो जो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो करते हैं तो उसको हम सेप्रो फर्टिज्म कहते हैं। तो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ ए कम्युनिटी। लाइफ फॉर्म्स क्रेन